पंजीकृत श्रमिकों को नहीं मिल रहा लॉकडाउन में भी लाभ। श्रम अधिकारियों की लापरवाही के कारण सरकार द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं से वंचित रहे निम्न पंजीकृत श्रमिक। श्रम अधिकारी स्वयं क्षेत्र में कार्य न कर दलाल एजेंटों द्वारा करवाते हैं मनमानी का कार्य। दलाल एजेंट 2014 से प्रति पंजीकरण श्रमिकों से पैसे लेने के बावजूद भी नहीं भरा अंशदान। मामला थाना ननपारा विकास खंड मेहीप्रवा के अंतर्गत ग्राम पंचायत विश्वनाथ गांव का, जहां पर लगभग 50 से 70 पंजीयन श्रमिकों को किसी प्रकार का कोई सुविधा मुहैया नहीं करवाया गया। एक तरफ तो प्रदेश सरकार कोरोना जैसे भयंकर बीमारी को लेकर चिंतित है और हर संभव गरीब तबके के प्रति राहत सुविधा प्रदान कर रही है, तो वही दूसरी तरफ बहराइच जिले के श्रम अधिकारियों की भी लापरवाही पहले से दोगुनी रफ्तार में दिखती हुई नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि श्रम विभाग अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचारी का खेल अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग एजेंटों द्वारा बड़ी ही चालाकी के साथ करवा रहे हैं। जैसे मेहप्रवा में प्रहलाद नाम के व्यक्ति द्वारा भ्रष्टाचार का खुला खेल खेला जा रहा है। पंजीकृत श्रमिकों द्वारा पैसे देने के बावजूद भी अभी तक उनकी पंजीयन संख्या में अंशदान नहीं जमा किया गया। यहाँ तक कि लॉकडाउन में भी सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं से भी वंचित रह रहे हैं लोग। पंजीकृत श्रमिक लेबरों से ये भी जानकारी प्राप्त हुई कि यदि पंजीकृत श्रमिक स्वयं अपना हक लेना चाहे तो तब तक उसे श्रमिक ऑफिसों के चक्कर काटने पड़ते हैं, जब तक उस इलाके के रहने वाले दलाली एजेंट से संपर्क ना करें, और इसका फायदा दलाल एजेंट पारद बाखूबी दुगनी रेट के साथ निभाते हैं। बाद ही माने तो अपनी जेब भरने के बाद ही पंजीकृत श्रमिकों को लाभ मिलना निश्चित होता है। अब बात करते हैं उन श्रमिक जिम्मेदार अधिकारियों की, जिनकी ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होती है कि कोई भी मजदूर श्रमिक लाभों से वंचित ना रहे। वो अपनी जिम्मेदारी से इतनी दूर क्यों हैं? क्या इन गैर जिम्मेदार जिलों के अधिकारियों को उच्च अधिकारियों का खौफ नहीं है? खैर, देखना यह भी दिलचस्प होगा कि पंजीकृत श्रमिकों की समस्याओं को उजागर करने के बाद उच्च अधिकारी संज्ञान में लेकर उनको हक दिलाने में सक्षम रहते हैं या शाबाशी देकर भ्रष्टाचारी करने का बढ़ावा देते हैं। इसी के साथ मिलते हैं दूसरे एपिसोड में, तब तक देखते रहिए आप सिर्फ यूपी लाइव 100 न्यूज के साथ। इब्राहिम खान की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? वहीद। किस ग्राम सभा की निवासी? ग्राम पंचायत विश्वनाथ। क्या समस्या है आपकी? समस्या हमारी ये है कि हमने एक श्रम विभाग का कार्ड बनवाया, हमको मिला मजदूर यूनियन से, तो हम मजदूर पार्टी से हैं ऐसे, तो हमको जैसे कार्ड मिल गया उसके बाद में आज तक हमने अंशदान भी, एक पहलादी नाम का एजेंट है उसको हमने जमा किया दिया, उसके हाथ में उसने जमा किया, क्या किया उसको वो जाने, मतलब वो एजेंट है हमसे लेके गया पैसे, हम घर पे भी जाके दे के आए और आज तक उसका कोई लाभ हमको मिला नहीं। श्रमिकों को सरकार द्वारा 1,000 रुपये प्रति महीने जो सुविधा प्राप्त करवा रही, क्या आप लोगों को प्राप्त हुआ या कुछ नहीं? अभी तक कुछ नहीं। अभी तक कुछ नहीं प्राप्त हुआ है जी? नहीं। आपका रजिस्ट्रेशन कब का है? सन 2017। आपका कब का है? हमारा भी 2017 का है। आप लोगों के मतलब आईडी कार्ड में अंशदान एक भी पैसा अभी तक जमा नहीं? अभी तक नहीं जमा किया। हम लोग कहाँ पर चेक कराए हैं आप लोग? हम लोगों ने यही रायबोजा स्टेशन पे चेक करवाया। सन 2017 से लगा करके अब तक जो है श्रम विभाग के कोई अधिकारी यहाँ तक आए हैं जांच के लिए? जांच के लिए कोई नहीं आया। कोई आया ही नहीं है।